गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज कक्षा 8वीं की वर्कशीट आई है, दिनांक है 10 अगस्त 2021। विषय है विज्ञान। अध्याय दूसरा टॉपिक रहेगा सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखना है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को कोष्टक में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, गेहूं की रस्ट नामक रोग का वाहक कौन है? तो इसका गेहूं की रस्ट नामक रोग का वाहक कवक है, तो ग ऑप्शन इसका सही है। फिर दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। पोलियो वायरस के द्वारा होता है। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। तो ये दूसरे के 4 रिक्त स्थान हैं, आपको इसकी पूर्ति करनी थी। फिर तीसरा प्रश्न है, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने की क्रिया को किवंडन अथवा फर्मेंटेशन कहते हैं। ये लिखा हुआ है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल से प्रसारित होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर चौथा प्रश्न है, एंथ्रेक्स रोग का कारक क्या है? तो एंथ्रेक्स रोग का कारक बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है। और साथियों, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी अवश्य कर दीजिए। साथ ही इससे संबंधित कोई आपके कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य ही भेजें। तो ये आज 4 प्रश्न आए थे, कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय था। तो और टॉपिक था सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। थैंक्स फॉर वॉचिंग।